और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ की वजह से दहशत का माहौल है, लेकिन आम जनता को छोड़िए, उद्धव के मंत्री ही कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कारनामा किया है वन मंत्री संजय राठौड़ ने, जो वाशिम के पोहारा देवी मंदिर में भारी भीड़ के साथ पहुंचे थे। इस दौरान लोग इतने ज्यादा थे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तस्वीरें आप देखिए, हालात जब काबू से बाहर होने लगे तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सवाल यह है कि जब सरकार के मंत्री ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो जनता को कैसे जिम्मेदारी समझने के लिए यह बात कही जा सकती है। वाशिम की तस्वीरें देखिए, मंत्री जी किस तरह से पहुंचे, भारी भीड़ उनके साथ है। संजय राठौड़ वन मंत्री हैं, वो वाशिम पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। आप देखिए जरा तस्वीरें, ये उस सूबे की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की वापसी की बातें हो रही हैं। हालांकि कुछ शहरों में लॉकडाउन की वापसी भी हुई है, कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है, और ये बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि सरकार के मंत्री इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो आम लोगों से अपील का क्या मतलब रह जाता है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, हम लगातार सुन रहे हैं उद्धव ठाकरे सूबे की जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन अपने मंत्रियों को ये बात नहीं बता पा रहे हैं क्या वो? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद ये अपील कर रहे हैं कि लोग जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, और उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही है कि सारे धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं, और अगर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम होना है तो पुलिस की इजाजत होनी जरूरी है। उसके बावजूद उन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री संजय राठौड़ जो एक निजी तौर पर विवादों में थे, और उसके बाद में 15 दिनों के बाद आज जब वो सामने आए लोगों के सामने, तो उनके समर्थन में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा आ गई कि उसको हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी की खुद कितनी जिम्मेदारी थी वहां पर, लेकिन मंत्री महोदय सिर्फ अपना पक्ष रखने में व्यस्त थे और बाहर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ बढ़ती गई। हालात ये हो गए कि वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उनको लाठी चार्ज करना पड़ा। वाकई बहुत हैरान करने वाला है, जब मंत्री की सरकार ने राजनीतिक, धार्मिक और सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा रखी है, ऐसे में मंदिर के लिए जाते वक्त इतने सारे लोगों को लेके जाना ये एक मंत्री के लिए वाकई हैरान करता है, और उद्धव ठाकरे को इस मामले को गौर देखने की भी जरूरत है।